हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक धरी इंस्ट्रक्टर बीआईटी सिंदरी। आइए आज हम लोग एंड गेट का स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग क्लॉक सिग्नल इनपुट में देंगे और उसका आउटपुट वेवफॉर्म का स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से TTL में क्लिक करके एक एंड गेट का IC ले लेंगे। एंड गेट का IC नंबर होता है 7408। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से एक हम लोग एंड गेट ले लेंगे। तो यहाँ पे एंड गेट में चार IC है, चार गेट है। तो हम लोग सेक्शन ए को क्लिक करके यहाँ पे ले लेंगे और कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग दो इनपुट है, तो एक इनपुट पे क्लॉक इनपुट देंगे और एक पे लॉजिक 1 यानी प्लस 5 वोल्ट BCC देंगे। तो यहाँ प्लस सोर्स पे क्लिक करके एक हम लोग BCC ले लेते हैं और इसको एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्लॉक इनपुट देंगे। तो यहाँ कॉर्नर पे एक फंक्शन जनरेटर है, तो यहाँ फंक्शन जनरेटर से हम लोग इसको क्लॉक इनपुट देंगे। तो इस पर डबल क्लिक करके लोग यहाँ से ये स्क्वायर वेव फॉर्म को चुनेंगे और यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज कर देंगे और एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट पिक टू पिक कर देंगे। इसको हम लोग यहाँ पे को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ प्लस माइनस है, तो प्लस को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे एक टर्मिनल पे और इसको ग्राउंड करेंगे एक टर्मिनल को। तो यहाँ से ग्राउंड ले लेंगे ग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ। और यहाँ पे हम लोग आउटपुट में एक CRO लगाएंगे ताकि इसका इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म दोनों को देख सकेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए ऑसिलोस्कोप है, तो इस पे दो चैनल है, चैनल ए चैनल बी। तो चैनल ए को हम लोग आउटपुट में कनेक्ट करेंगे और चैनल बी को इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। और दोनों चैनल में नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव को यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। और इसका इनपुट और आउटपुट का कलर सेगमेंट चेंज कर देंगे। तो आउटपुट का कलर सेगमेंट हम लोग ग्रीन कर देते हैं आउटपुट का, और इनपुट का ब्लू ही रहेगा। तो इस तरह से सर्किट कनेक्शन कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ से रन कर दिए, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग का दोनों इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म है। तो यहाँ पे आउटपुट को हम डाउन कर देते हैं, ये आउटपुट सिग्नल है ग्रीन वाला, और इनपुट सिग्नल को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और स्केल को 50 मिली सेकेंड पर डिवीजन कर दिए। तो देखिए ये हम लोग का इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है। तो यहाँ पे जब हम लोग का दोनों इनपुट हाई होता है, ये तो ऑलरेडी लॉजिक हाई पे है एक इनपुट, और ये हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसमें क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं। तो जब दोनों इनपुट हाई होता है तो आउटपुट हाई आ जा रहा है, और जब दोनों इनपुट लो हो रहा है तो आउटपुट लो हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक हम लोग आउटपुट में एक इंडिकेटर लगाते हैं। तो यहाँ प्लस इंडिकेटर में क्लिक करके प्रोब में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक प्रोब लगा देते हैं, तो इससे हम लोग को ब्लिंक करेगा तो पता चलेगा। तो इसको यहाँ से रन कर दिए। तो देखिए ये हम लोग का अभी यहाँ पे आउटपुट हाई है, तो यहाँ पे ग्लो कर रहा था, अब देखिए लॉजिक 0 हो गया आउटपुट, तो अभी ऑफ है, फिर ये हाई हो गया तो यहाँ पे जलने लगा, फिर ये यहाँ पे यहाँ तक हाई रहा, फिर देखिए ये लो हो गया, फिर यहाँ तक लो रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हाई हो जाएगा, ये ग्लो करने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्लो करने लगा। तो ये हम लोग का इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म है। तो इस तरह से हम लोग इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ कर सकते हैं एंड गेट का।
तो जब दोनों इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट हाई होगा, और नहीं तो आउटपुट लो होगा। तो इस तरह से हम लोग एंड गेट को क्लॉक सिग्नल दे करके स्टडी करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।